1921 में आज एक दिन मिस अमेरिका प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। 1920 में सैलानियों को रिझाने के लिए न्यू जर्सी राज्य के अटलांटिक सिटी में इस प्रतियोगिता से मिलता जुलता कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद आयोजकों ने संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से मिस अमेरिका आयोजित करने का फैसला लिया। मिस अमेरिका का आयोजन शुद्ध रूप से बिजनेस आइडिया था। इस प्रतियोगिता को देखने 1,00,000 लोगों की भीड़ जमा हुई थी, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। प्रतियोगिता में वॉशिंगटन डीसी की 16 वर्ष की मार्गरेट गोरमैन को सुनहरी जलपरी के खिताब से नवाजा गया और इनाम के तौर पर $100 दिए गए। 1922 में मार्गरेट गोरमैन जब दूसरी बार खिताब में हिस्सा लेने पहुंची तो वो अमेरिकी झंडा लपेटे हुई थी और वहीं से यह प्रतियोगिता मिस अमेरिका के नाम से मशहूर हुई। इसके बाद न जाने कितने ही देशों ने ऐसी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की और इसी के साथ मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे मुकाबले शुरू हो गए। 1934 में मशहूर लेखक और फिल्म निर्देशक B.R. इशारा का आज ही के दिन जन्म हुआ था। इशारा को नए ढंग से सिनेमा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। इन्होंने बोल्ड और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बनाकर दर्शकों को एक अलग तरह से सिनेमा से रूबरू कराया। जरूरत और चेतना जैसी फिल्मों से इन्होंने 8वें दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों के पारंपरिक दर्शकों को झकझोर दिया था। इशारा अक्सर नए कलाकारों को लेकर बोल्ड फिल्म बनाते थे। परवीन बॉबी को फिल्मी दुनिया में सबसे पहला ब्रेक B.R. इशारा ने ही दिया था। हम दो, हमारे दो, चरित्र, औरत आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। 1940 में आज के दिन जर्मनी ने लंदन पर हवाई हमले शुरू किए थे। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे और भारी तादाद में लोग जख्मी हुए थे। यह हमला जर्मनी की तरफ से किए गए हमलों में सबसे बड़ा था। करीब 300 लड़ाकू विमान 1.5 घंटे तक लंदन पर बमबारी करते रहे। हमले की शुरुआत घनी आबादी वाले ईस्ट एंड के बंदरगाह वाले इलाके में हुई थी। इसके बाद रात भर आसमान से बम बरसते रहे। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के सीमावर्ती शहर सिस्केई में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की रैली में गोलीबारी हुई थी। इस हमले में कम 24 लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस रैली में सिस्केई पर ब्रिगेडियर जोशुआ काव्जो की सैनिक सत्ता को खत्म करने और से दक्षिण अफ्रीका में मिलाने की मांग की जा रही थी। रैली किंग विलियम्स टाउन के एक स्टेडियम में शुरू हुई। जब प्रदर्शनकारियों ने सिस्केई की सीमा लांघने की कोशिश की तो सैनिकों ने उन पर 5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की। 1963 में आज एक दिन पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका नीरजा भनोट का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1986 को बंबई से न्यूयॉर्क जा रहा पैन एम का विमान पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर अगवा कर लिया गया था। विमान में उस समय 390 यात्री सवार थे। यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए नीरजा आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। नीरजा के बलिदान के बाद भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। 2004 में नीरजा भनोट के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया। नीरजा भनोट की जिंदगी और उनके साहसिक कारनामे को मशहूर निर्देशक राम माधवानी ने फिल्म नीरजा के जरिए दिखाया। इस फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार अभिनेत्री सोनम कपूर ने निभाया था।